मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। शिक्षा की गुणवत्ता जांच में फेल हो गए शिक्षक, 400 शिक्षकों को जेडी ने थमाई नोटिस। आपको बता दें कि शासकीय विद्यालयों में दी जा रही बच्चों को शिक्षा के गुणवत्ता की जाँच बार बार शासन के निर्देश पर कराई जा रही है। शासकीय विद्यालय में गिर रहे शिक्षा के स्तर को देखते हुए अब शासन गंभीर होता नजर आ रहा है, जिसके लिए विद्यालयों में शिक्षा के स्तर की जांच के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि इसके पहले भी अपनी गुणवत्ता सिद्ध करने के लिए शिक्षकों को खुद परीक्षा देकर अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा था। बावजूद इसके शिक्षा के स्तर पर ना के बराबर ही सुधार हो पाया है। अभी हाल ही में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने राज्य शिक्षा केंद्र ने एक फरमान जारी किया था। इसकी मॉनिटरिंग के लिए टीम का गठन भी किया गया, लेकिन जांच दल में ये पाया गया कि शिक्षकों ने उसी छात्र की कॉपी तक नहीं जांची जिसके लिए होमवर्क दिए जाते हैं। जांच दल के द्वारा तकरीबन 150 विद्यालयों का निरीक्षण किया गया, जिसमें संभाग के 400 शिक्षकों को संयुक्त संचालक लोक शिक्षा ने नोटिस जारी कर दिया है। आपको बता दें कि संयुक्त संचालक अधिकारी से लेकर DO और DPC स्तर के अधिकारी भी शामिल थे इस जाँच टीम में। वहीं बता दें कि अभी हाल ही में शिक्षा की गुणवत्ता पर रखने के लिए शिक्षकों की परीक्षा ली गई थी, जिसका शिक्षकों ने जमकर विरोध किया था। शिक्षकों का कहना था कि विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की भी नियुक्ति है, उनके द्वारा भी पठन पाठन का कार्य प्रभावित होता है, आखिर उनकी परीक्षा क्यों नहीं ली जाती। अब भले ही शासन शासकीय विद्यालयों के शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर चिंता जाहिर कर रहा हो, लेकिन हकीकत तो यह है कि आज एक गरीब भी अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालय में ही शिक्षा देना पसंद करता है। आखिर शासकीय विद्यालयों का यह स्तर कब और कैसे गिर गया, ये शासन के लिए भी चिंता का विषय है। प्रस्तुत है संयुक्त संचालक संतोष कुमार त्रिपाठी से प्राप्त जानकारी के अंश। 400 करीब शिक्षकों को नोटिस जारी किया है, क्या वजह थी, किसके खिलाफ कार्रवाई बरती जा रही थी? 17, 18, 19 तारीख को निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक संचालक, संयुक्त संचालक, संयुक्त संचालक कार्यालय में पदस्थ अधिकारी, DPC, VRC और DPC कार्यालय में पदस्थ APC सभी के द्वारा निरीक्षण किया गया स्कूलों का, यह देखने के लिए कि जो बच्चे काम करते हैं उसका विधिवत शिक्षकों द्वारा जांच किया जाता है कि नहीं, इसी को दृष्टिगत रखते हुए नोटिस जारी किया गया है। कुल कितने अपने रीवा जिले के कितने हैं सर? क्या है कि टोटल संभाग के 400 हैं, जिसमें करीब 87 प्रकरण रीवा के हैं। सर, ये शिक्षकों की परीक्षा भी ली गई थी क्या अभी भी हाल ही में? नहीं नहीं, अभी कोई परीक्षा नहीं ली गई किसी शिक्षक की। परीक्षा हुई थी गुणवत्ता को लेकर उनकी, कि उनमें कितनी काबिलियत है, उसमें कुछ अतिथि शिक्षक जो पदस्थ हैं उनकी क्यों परीक्षा नहीं ली जाती? नहीं, देखिए क्या है कि अतिथि शिक्षक जो पदस्थ हैं वह कोई रेगुलर कर्मचारी नहीं है। जैसे कि अगर कोई शिक्षक नहीं रहता तो उनकी जगह पे अति शिक्षकों को नियुक्ति की जाती है, जिससे पढ़ाई प्रभावित ना हो। लेकिन वो शिक्षण कार्य तो कर रहे हैं। मैं सिर्फ शिक्षण कार्य कर रहे हैं। क्या है कि उन्हें हटाया भी जा सकता है, उन्हें निकाला भी जा सकता है, वो चूंकि रेगुलर कर्मचारी नहीं है इस वजह से उनकी परीक्षा नहीं ली जाती। गरीबों का आशियाना तैयार करने के लिए 233 हितग्राहियों के खातों में भेजी गई राशि। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा हितग्राहियों को किया गया वर्चुअल किस्त वितरण। गरीबों का उनका खुद का आशियाना बनाने के लिए एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा आवास के लिए उनके खातों में वर्चुअल पेमेंट किया गया है। पूरे मध्य प्रदेश सहित रीवा नगर निगम में राशि वितरण के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रीवा में 233 हितग्राहियों को उनके खाते में पहली किस्त भेजी गई है। अभी तक रीवा में 4000 हितग्राहियों को 85 करोड़ की राशि वितरित की जा चुकी है। आज नगर निगम रीवा में 233 हितग्राहियों के खाते में तकरीबन 2,33,00,000 रुपये वितरित किए गए हैं। टाउन हॉल नगर निगम में मुख्यमंत्री ने वर्चुअली लोगों से मुलाकात की। इस दौरान पूर्व मंत्री एवं स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ला ने हितग्राहियों को उनके नए आशियाना के संबंध में बधाई दी एवं प्रमाण पत्र वितरित किए। विधायक राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि आने वाले समय में रीवा जिले के हर परिवार के सर पर छत होगी, ये BJP सरकार का सपना है। अब तक रीवा में 4000 मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और आने वाले समय में बचे हुए लोगों को भी इस योजना का लाभ जल्द मिलेगा, जिसके लिए नगर निगम प्रशासन के द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलकी सहित पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। नमस्ते, मेरा नाम दीपचंद सेन है, मैं वार्ड क्रमांक 9 रविदास नगर का हूँ।
कच्चा घर था, बारिश में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत कीचड़ उचड़ होते हैं और पानी भी घुस जाते हैं घर में। तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के तहत मुझे लाभ मिल रहा है, मिल गया है। उनके लिए मेरे घर की तरफ से, मेरे फैमिली की तरफ से उनको साक्षात नमस्कार है। 233 हितग्राहियों को 2,33,00,000 रुपए, जो DPR नंबर 7, सातवीं DPR गरीबों का सर्वे करके जिनके कच्चे मकान हैं पक्के मकान बनाने का भेजा था, तो वो मंजूर हो गया और 1,00,000 रुपए सभी के खाते में पहुंच गया है। तो आज ये बड़ा खुशी का दिन है कि 233 गरीबों के खातों में 2,33,00,000 रुपए आज डाले गए हैं। वो अपने काम शुरू करें और जैसे ही 1,00,000 रुपए का काम हो जाएगा तो अगली किस्त उनकी आएगी। और इस प्रकार से रीवा में 4,000 लोगों का अभी तक खातों में करीब 85 करोड़ रुपए कच्चे मकान को पक्के मकान में बदलने के लिए अभी तक खर्च हो चुके हैं। और आने वाले दिनों में 1,000-2,000 और भी सर्वे करके हम लोग तैयार कर रहे हैं कि ऐसे और लोग भी हैं, उनका भी प्रस्ताव भेज के मंजूर कराएं। अब मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा की पढ़ाई अंग्रेजी की बजाय हिंदी में होगी। मेडिकल काउंसिल बोर्ड ने मेडिकल कॉलेज को पाठ्यक्रमों को हिंदी में बनाने के लिए कहा है, लेकिन वर्षों से अंग्रेजी में मेडिकल पढ़ा रहे प्रोफेसर चिंतित नजर आ रहे हैं। कई इंग्लिश के ऐसे शब्द हैं जिसका हिंदी अर्थ ही नहीं है। इसके अलावा देश और विदेश के सभी लेखकों की किताबें भी इंग्लिश में ही है। आपको बता दें कि श्याम श्याम मेडिकल कॉलेज रीवा में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी। ये पहली बार होगा जब MBBS प्रथम वर्ष के छात्र मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में करेंगे। शुरुआत में 3 पाठ्यक्रमों को हिंदी में रखा गया है। इसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के विषय हैं। इन विषयों के नोट्स और किताब हिंदी में नहीं होने से प्रोफेसर असमंजस में हैं। अब तक प्रोफेसर इन विषयों की पढ़ाई अंग्रेजी में किए हैं, उसे ट्रांसलेट कर पहले खुद और फिर पढ़ना पड़ेगा। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने एक कमेटी बनाई है और पाठ्यक्रम की किताबें बनाई जा रही है। इसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही है, कई अंग्रेजी के शब्दों का हिंदी में शब्द ही नहीं है और कुछ को कहने में भी मुश्किल होती है। इस दौरान छात्रों से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई हिंदी में होना ठीक नहीं है, इसमें मुश्किलें आएंगी। ख्याति लब्ध लेखकों की सभी किताबें और बड़े लेक्चर इंग्लिश में ही होते हैं। मेडिकल की पढ़ाई में सभी किताबें और नोट्स इंग्लिश में हैं। आगे की पढ़ाई और मास्टर डिग्री देश विदेश से प्राप्त करने में समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। प्रस्तुत है मेडिकल कॉलेज के छात्रों सहित डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर से प्राप्त जानकारी के अंश। मेरा नाम मोहम्मद अजहर खान है और मैं बैच 2017 श्याम श्याम मेडिकल कॉलेज का छात्र हूँ। देखिए, मेरे हिसाब से आप अगर सारे सब्जेक्ट्स को चेंज करने पे जाएंगे तो दिस विल क्रिएट मोर प्रॉब्लम देन सॉल्यूशन। आप कहां तक चीजों को कम्पीट करेंगे? आज यहां के स्टूडेंट्स को इंडिया के बाहर भी कम्पीट करना है, फिर वहां तो उनसे रिक्वेस्ट नहीं कर सकते ना कि हमारे लिए इंग्लिश करो या हिंदी करो। इससे बेटर है कि 3 सब्जेक्ट्स में हिंदी में इंट्रोड्यूस करने से अच्छा आप फर्स्ट ईयर में सबको इंग्लिश सिखाइए, सो दैट चिल्ड्रन कैन कम्पीट एट हायर लेवल। श्याम श्याम मेडिकल कॉलेज में फाइनल ईयर का छात्र हूँ। मेरा कहना यह है कि जो सरकार इसमें परिवर्तन करना चाह रही है कि इंग्लिश और हिंदी में लाएगी, तो उसमें वो भी हो सकता है कि जो ऑल इंडिया कोटा के बच्चे हैं उनको अपना लैंग्वेज का जो बैरियर है उसको पार करने में बहुत दिक्कत आएगी। अभी यही तो रीजन था कि बच्चों को इंग्लिश की समझ में नहीं आती इसलिए हिंदी ला रहे हैं, तो ऑल इंडिया के बच्चों को क्या होगा, उनको भी ये दिक्कत आ सकती है सेम चीज। अभी हमको नेशनल मेडिकल कमीशन से एक दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जो फर्स्ट प्रॉप के स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है जो एनाटॉमी बायोकेमिस्ट्री फिजियोलॉजी पढ़ते होंगे MBBS पाठ्यक्रम में, वो उनकी जो अंग्रेजी की दिक्कतों को देखते हुए हिंदी में भी इसका पाठ्यक्रम या हिंदी में उनको पढ़ाने के वो दिए गए हैं दिशा निर्देश। तो उसके अकॉर्डिंगली हम अब जो हमारी एक हम लोगों ने टीम बनाई है और भोपाल से हमको भी दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, तो वो जो हमारी टीम है, हमारी जो प्रथम वर्ष के जो प्रोफेसर है, वो उन लोगों को कहा गया है कि वो इसको हिंदी में इनका सिलेबस तैयार करें। तो हमने हमारे यहाँ के जो विभाग अध्यक्ष है तीनों सब्जेक्ट के, उनको कह दिया गया है कि वो अपना जो सिलेबस है जो अंग्रेजी में है उसका हिंदीकरण करके और अच्छे तरीके से उसको हिंदी में भी बनाए, और उसका जो बनाते हैं वो सिलेबस हम फिर उनको भोपाल में उसको प्रेषित करेंगे। क्या दिक्कतें आ रही हैं अभी? कुछ अभी कल हम लोगों की बैठक में यही बात हुई है, तो अभी शुरुआती दौर में जो अंग्रेजी का हिंदी में कन्वर्शन है कुछ विशेष दिक्कतें नहीं आ रही है, लेकिन थोड़ा अभी हम लोगों को थोड़ा उन चीजों के जो शब्द है वोकैबुलरीज जो कहते हैं उसको हिंदी में परिवर्तन करने में थोड़ी सी दिक्कतें तो आ रही है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग उसको रिजॉल्व कर लेंगे।
मोबाइल लूटकर भाग रहे आरोपियों का पीछा करना पड़ा महंगा। आरोपियों ने युवक के ऊपर किया चाकू से हमला, सीने व गर्दन में आरोपियों ने चाकू से किया जानलेवा हमला, युवक की हालत गंभीर। आपको बता दें कि रीवा के ढेका जेपी मोड़ के समीप बाइक सवार बदमाशों ने मोबाइल के खातिर एक युवक पर चाकू से प्राणघातक हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल हुए युवक को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शहर के बीचों बीच क्षेत्र में हुई ये घटना के बाद दहशत का माहौल व्याप्त है। घटना को लेकर घायल आयुष साहू के पिता राकेश साहू का कहना है कि वह मऊगंज के अतरिया गांव का निवासी है, जहां से आयुष साहू अपने मामा वीरेंद्र साहू से ढेका मिलने आया था। जेपी मोड़ के समीप मोबाइल फोन में बात कर रहे आयुष पर बाइक सवारों ने झपट्टा मारते हुए आयुष एवं उसके मामा वीरेंद्र का मोबाइल छीन कर फरार हो गए, जिनका पीछा दोनों युवकों ने जब किया तो सेमरिया मार्ग में पहुंचते ही आरोपियों ने बाइक रोककर उनके ऊपर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें आयुष शाहू को गंभीर चोटें आई हैं। गंभीर रूप से घायल आयुष शाहू को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर नगर पुलिस अधीक्षक एस एन प्रसाद एवं थाना प्रभारी विद्यावारी तिवारी चौहटा के द्वारा युवक से आरोपियों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। इधर पुलिस घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज भी आरोपियों की पहचान करने में जुट गई है। प्रस्तुत है एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। मंडी से रेलवे स्टेशन वाले रोड के पास में, तो वहां पर इसका कहना है कि पीछे से कोई एक गाड़ी आई जिसमें तीन लड़के बैठे थे अपाचे मोटरसाइकिल से, उन्होंने इसका मोबाइल छीन के और ये लोग भाग गए। तो इन्होंने इसका पीछा किया कि मोबाइल छीन के कौन लेके जा रहा है, और उसके बाद जब आगे गए तो उनका कहना कि हमने उसको ओवरटेक कर लिया, आगे जाके गाड़ी रुका ली तो उनमें से फिर एक लड़के ने आयुष जो एक फरियादी है जिसको चोट लगी है, आयुष को चाकू वाकू से हमला किया, तो आयुष के थोड़ा गर्दन पे इधर चोट लगी है, चेस्ट के पास चोट लगी है, बाएं हाथ पे चोट लगी है। आयुष अभी ठीक है, बातचीत कर रहा है, हॉस्पिटल में है। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है क्योंकि इनके दोनों भाइयों के मोबाइल छीन लिए गए हैं, तो पुलिस इसमें जो तकनीकी सहयोग है उसके आधार पर कार्रवाई कर रही है, शीघ्र आरोपियों को दस्तियाब पकड़ा जाएगा। रीवा में सराफा व्यापारी पर बदमाशों ने रॉड से किया हमला, लूटे 15 लाख के कीमती जेवरात, 10 किलो चांदी 250 ग्राम सोने से भरा बैग लेकर चंपत हो गए बदमाश। आपको बता दें कि रीवा जिले के लौर थाना अंतर्गत सराफा व्यवसायी के ऊपर प्राणघातक हमला कर 15 लाख कीमती ज्वेलरी से भरा बैग लूटने का मामला प्रकाश में आया है। देवतला ओवर ब्रिज के नीचे हुई ये वारदात। बाजार से दुकान बंद कर लौट रहे व्यापारी को ओवर ब्रिज के नीचे चार बदमाशों ने पहले तो घेर कर रॉड से हमला कर दिया। आपको बता दें कि प्रतिदिन की तरह वह दुकान बंद कर मंगलवार शाम घर वापस लौट रहे थे। उनके साथ उनके पीछे दूसरी गाड़ी में उनका पुत्र भी आ रहा था। उन्होंने सारे जेवर एक झोले में रख लिए थे। शाम 7 बजे जैसे ही लौर थाने के देवतलाव के समीप पहुंचे, तभी पीछे से बाइक में आए तीन बदमाशों ने रॉड से हमला कर दिया। नंदलाल हेलमेट लगाए हुए थे जो हमले में टूट गया। इसके बाद आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की और जेवरों से भरा झोला लेकर फरार हो गए हैं। शोर शराबा सुनकर स्थानीय लोग पहुंच गए, लेकिन तब तक बदमाश घटना को अंजाम देकर निकल चुके थे। वहीं व्यापारी के बेटे रावेन सोनी ने बताया कि लूटे गए बैग में 10 किलो चांदी और 250 ग्राम सोना सहित कुछ नकदी रुपया भी था, जिसे बदमाश छीन कर भाग गए हैं। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिले के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा ने बताया कि जानकारी लगते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई थी। व्यापारी का इलाज कराया जा रहा है और आगे की कार्रवाई जारी है। प्रस्तुत है व्यापारी के बेटे रावेंद्र सोनी एवं एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। सर, मेरी ज्वेलरी शॉप की दुकान है देवतलाव में, कपड़ा मार्केट में। हम लोग शाम को डेली बंद करके घर चले जाते हैं बहरा कला सिमरिया में। तो शाम को जैसे पिताजी आगे आगे जा रहे थे, मैं दुकान बंद कर रहा था, पीछे था, तो वो जैसे ही देवतलाव थाना लौर जो है वहाँ से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर समथिंग एक ओवरब्रिज पड़ती है, उस ओवरब्रिज के पास जैसे गए तो वहाँ पे कई लोग, वहाँ पे 4-5 लोग पिताजी बता रहे थे वहाँ पे खड़े थे, और पीछे से कोई बाइक वाला भी एक फॉलो कर रहा था, जिससे वहाँ पे जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ डंडा और जो भी रॉड वगैरह था वहाँ से मारा गया है। साथ में जो मेरे ज्वेलरी शॉप का जो भी सामान था सब वो झोला छुड़ा ले गए, उसके बाद भी बहुत मारा गया है सर। वहाँ पे कई आसपास के आने के बाद हमें इन्फॉर्म हुआ तो हम लोग पहुँचे हैं, फिर थाना गए, थाने के बाद हम अभी हॉस्पिटल आए हैं। सर लगभग 10 किलो के आसपास चांदी थी सर, और 300 ग्राम के आसपास सोने का सामान था जी। कितनी कीमत क्या होगी सर? अभी कीमत का वो जो रेट के हिसाब से वो कल चेंज होता रहता है सर। अभी अंदाज़ा है सर, क्या क्लियर नहीं होता दुकान में कब क्या कितना मिलता है सर, ये चीज़ तो अंदाज़ा ये चीज़ इतना तक
लगभग है। किसी पे शक आप लोग? नहीं सर, हम लोग शाम को अंधेरे में थे सर, ओवरब्रिज के नीचे बिल्कुल अंधेरा था, ना किसी का चेहरा देख पाए, तो शक कहाँ से कर सकते हैं सर। कई लोग इतना खड़े थे, वहाँ पे राड भी पाया गया है वहाँ पे, और मैं इनको लेके चला आया राड के, वहाँ भी हम लोग देखे बस थे, वहाँ से हम चले आए हैं। अब बाकी 100 नंबर गई है, उससे पहले हम लोग आ गए थे वापस। क्या नाम है? नंदलाल सोनी। क्या मानते हैं लूट के इरादे से घटना हुई पुरानी? सर लूट के हिसाब से हुई, क्योंकि एक बार मेरे साथ पहले भी लूट हो चुकी है दुकान के अंदर, मेरा जो चोरी हुई थी शटर तोड़ के, उसके बाद भी फिर से अब ये दूसरी घटना है। हाँ सर, पुलिस आई थी, फोन करने के बाद पुलिस पहुंची थी वहाँ पे, पुलिस डायरेक्ट यहाँ पे हमारे SI साहब है वो साथ में यहाँ पे आए हैं, तो यहीं पे अभी दवाई ट्रीटमेंट चल रहा है सर। किसका सर? सर राविंद कुमार सोनी सर। क्षेत्र में करीब शाम के 6 बजे लौर में ही एक दुकान है, ये नंदलाल सोनी 52 साल की उम्र है, अपने बेटे के साथ दुकान पर रहते थे, काम करते, तो बेटे के साथ ही आना जाना करते थे, कभी 4-व्हीलर से कभी 2-व्हीलर से। कल शाम को करीब 6 बजे के आसपास ये आगे निकले हैं, बैग रखा था इन्होंने, बैग गले में डाल के टंकी के ऊपर रख लिया था, मोटरसाइकिल से जा रहे थे। जब ये मऊगंज फ्लाईओवर के पास पहुँचे हैं लौर में, अपने गाँव जा रहे थे, करीब 5 किलोमीटर दूरी पर इनका गाँव है बहेरहा, तो लड़का पीछे था, उनका कहना है कि हमेशा साथ रहता था, उस दिन वो ताला बंद करने के लिए बोला कि मैं ताला बंद करके आता हूँ पीछे पीछे। तो जब ये वहाँ फ्लाईओवर के पास पहुँचते हैं तो साइड में जो सर्विस रोड होता है हाईवे का, वहाँ पर कुछ लड़के इनको खड़े दिखाई दिए, करीब 3-4 लड़के खड़े हुए थे। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद आगे से एक मतलब इनको मोटरसाइकिल ने ओवरटेक भी करने की कोशिश की, तो उनमें से जो लड़के खड़े हुए उसमें से किसी ने पाइप मारा, ये हेलमेट लगाए हुए थे तो इनके सर में लगा, ये गिर गए, उनका बैग भी गिर गया, बैग लेके लड़के भग गए वहाँ से। उनका कुछ सामान था जिसके बारे में ये सब पतासाजी की जा रही है, पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है लूट का, और आरोपियों की पतासाजी में कुछ लोगों को पुलिस ने भी अभिरक्षा में लिया है, पूछताछ जारी है। आज की खबरों में बस इतना ही, कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।